नमस्कार, मैं नीतू अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, अवध गर्ल्स डिग्री कॉलेज, लखनऊ। आज मैं आपके सामने आपके कोर्स BANC 134 पुरातात्विक मानव विज्ञान के मूल तत्व के अंतर्गत इकाई 10 एवं 11 प्रागैतिहासिक कालानुक्रम पर चर्चा करने के लिए आई हूँ। प्रागैतिहासिक कालानुक्रम जो है, इसका पुनर्निर्माण जो है, प्रागैतिहासिक शोध का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्योंकि जब भी हम प्रागैतिहासिक पास्ट की बात करते हैं तो हमें सबसे पहला उद्देश्य जो है प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का पुनर्निर्माण करना है। प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का पुनर्निर्माण करने के लिए हमारे पास उनके अवशेषों द्वारा हम उनका पुनर्निर्माण करते हैं, और जो हमें अवशेष मिलते हैं उनको हमको विभिन्न कालों में विभाजित करना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है, डेनमार्क में सीजे थॉमसन नाम के एक म्यूजियम क्यूरेटर थे, और उनके सामने एक बड़ा लक्ष्य था, जैसा कि मैंने पिछले उसमें बताया था कि जितने भी डेनमार्क नेशनल म्यूजियम में जो भी प्री एंटिक्विटीज थी उनको क्लासिफाई करने का टास्क उन्हें दिया गया था, और उन्होंने उनको उनके मटेरियल के आधार पर स्टोन, ब्रॉन्ज और आयन में विभाजित किया, और उन्होंने पाया कि ये जो है एक कालानुक्रम में भी फिट बैठते हैं, और इसी से उन्होंने इसको जो है तीन एजेस में डिवाइड किया, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयन एज, और ये डिविजन आज भी जो है ये सही साबित होता है और इसी को हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद फर्दर जो है स्टोन एज को जो है वो पेलियोलिथिक और नियोलिथिक में लबॉक ने डिवाइड किया, और फिर देखा गया कि पेलियोलिथिक का कालानुक्रम बहुत ज़्यादा वाइड है, तो उसको लार्चच ने 1870 में लोअर मिडिल एंड अपर पेलियोलिथिक में डिवाइड किया। फिर जो है 1873 में रेबो ने कॉपर एज और मेसोलिथिक एज को भी इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा एक दूसरी क्रोनोलॉजी जो है गैब्रियल द मोटिलेट ने दी 1872 में, उन्होंने हर पीरियड को एक टाइपसाइट के नाम पर डेजिग्नेट किया, जैसे कि सेंट अशूल के नाम पर अशूलियन एडिशनल पीरियड्स जो है बाद में उसमें हेनरी ब्रायल और भी लोगों ने जोड़े। अब जो हम आज प्री हिस्टोरिक कल्चरल क्रोनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, इसको सब डिवाइड करने का बेसिस क्या है? इसको सब डिवाइड करने का बेसिस जो है, जो भी हमें साक्ष्य मिलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य, उनको जो है जिस स्ट्रेटा में मिलते हैं उसके रिलेटिव एज के बेसिस पर और उनकी एब्सोल्यूट डेटिंग के बेसिस पर, और जो जिस क्वॉटनरी क्लाइमेटिक फेजेस से उनके कोरिलेशन के बेसिस पर, और जो भी उसके साथ एसोसिएटेड फौना और अदर एविडेंसेस मिल रहे हैं, प्लस जो उस स्तर में हमें स्टोन टूल्स मिलते हैं मेनली, और जो पॉटरी और अदर एविडेंसेस मिलते हैं उनके कंपैरिजन के बेसिस पर हम इन स्टोन एजेस को डिवाइड करते हैं। और जो आज हम सिस्टम यूज करते हैं उसमें हम लोअर मिडिल एंड अपर पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक को का इस्तेमाल करते हैं, और इसको जो है हम जो गैब्रियल द मोटिलेट ने टाइपसाइट वाली जो क्रोनोलॉजी दी थी अशूलियन मोस्टीरियन, इसके पैरेलल में ही इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम बात करें प्रीहिस्टोरिक कल्चर्स की, तो मानव का उद्विकास लगभग 7 से 8 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था, और लेकिन जो मानव के कलाकृतियां हैं या मानव के जो अवशेष हैं जो प्रस्तर उपकरणों के रूप में हमें मिलते हैं सबसे पहले, वो हमें लगभग 3.5 मिलियन ईयर्स से पहले नहीं मिलते, यानी कि प्लायोसीन पीरियड में ये मिलना चालू होते हैं, और उसके बाद से लगातार हमें अलग अलग प्रकार के प्रस्तर उपकरण मिलते हैं जिसके बेसिस पर जो है हमने एक कल्चरल सीक्वेंस विभाजित की है, जो आज एक्सेप्टेड कल्चरल सीक्वेंस है। इसमें कुछ रीजनल वेरिएशंस हैं, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड हम जनरली ये कल्चरल सीक्वेंस इस्तेमाल करते हैं, जिसमें
पेलेलिथिक काल को हम तीन भागों में विभाजित करते हैं, अर्ली या लोअर पेलेलिथिक, जिसमें दो कल्चर्स आते हैं, ओल्जोवान और अशुलियन, मिडिल पेलेलिथिक और मिडिल स्टोन एज, एंड लेट और अपर पेलेलिथिक। फिर पेलेलिथिक या पूरा पाषाण के बाद आता है मेसोलिथिक या मध्य पाषाण, और नियोलिथिक या नव पाषाण, कैल्कोलिथिक या ब्रॉन्ज एज, और कैल्कोलिथिक या ब्रॉन्ज एज को ताम्र पाषाण या कांस्य युग के नाम से जानते हैं, और आयन एज या लौह युग। अब जैसे जैसे जो है और भी डिस्कवरीज होती गई, वैसे वैसे ये समझ में आया कि ये जो हमने प्रीहिस्टोरिक कल्चरल क्रोनोलॉजी जो है विभाजित की है, ये एक स्ट्रेट लाइन में एवोल्यूशन नहीं हुआ है, और इसमें हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि यूरोप में जो कल्चर्स के साक्ष्य मिलते हैं, इसके अलावा जो है ये जो हमें अशुलियन कल्चर के साक्ष्य मिलते हैं, इसमें हमें मोवियस लाइन के ईस्ट में जो है हमें हैंड एक्सेस नहीं मिलती हैं, और कभी कभी जो है कुछ कल्चर्स जैसे कुछ तरह के स्टोन टूल्स जो है जो हमें पहले मिलते हैं वो हमें दूसरे कल्चर्स में भी मिलते हैं। तो इसको जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1960s में ग्रहम क्लार्क ने जो है एक स्टोन टूल टेक्नोलॉजी को जो है इंडिपेंडेंटली डिफाइन करने की कोशिश की, और उन्होंने इसलिए जो है ये पांच टेक्निकल मोड्स का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें मोड्स वन जो है वो ओल्डोवान या सिंपल फ्लेक एंड पेबल टूल्स है, और मोड टू जो है वो अशुलियन जो कि बाईफेसिस एंड लार्ज फ्लेक टूल्स पर आधारित है। ये मोड वन और मोड टू जो है वो अर्ली स्टोन एज या लोअर पेलियोलिथिक टाइम्स में ज़्यादातर हमको मिलते हैं, लेकिन ये जो है क्लार्क का कहना था कि हम इसको टेक्निकल मोड्स के कॉन्सेप्ट के साथ रखें, ना कि हम एक कल्चरल एवोल्यूशनरी क्रोनोलॉजी के रूप में रखें। और मोड थ्री जिसमें कि लेवोल्वा मेथड या ऑर्गेनाइज्ड डेबिटाज है, जो कि मिडिल पेलियोलिथिक या मिडिल स्टोन एज में मिलता है, और मोड फोर यानी कि लैमिनर या ब्लेड डेबिटाज जो ज़्यादातर हमें अपर पेलियोलिथिक या लेट स्टोन एज में मिलता है, और फिर मोड फाइव यानी कि माइक्रोलिथ्स या लेटर स्टोन एज और मेसोलिथिक। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो पेलियोलिथिक पीरियड है इसको जो है अर्ली मिडिल और लोअर पेलियोलिथिक में यहाँ सॉरी अर्ली मिडिल एंड अपर पेलियोलिथिक में डिवाइड किया गया है, और लोअर पेलियोलिथिक जो है उसके दो कल्चर्स हैं ओल्जोवान और अशुलियन, एंड मिडिल पेलियोलिथिक में मुस्टीरियन, और अपर पेलियोलिथिक के डिफरेंट कल्चर्स हैं, और उसके साथ जो भी एसोसिएटेड होमिनेंस हैं उनको यहाँ पर दर्शाया गया है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब सबसे पहले जो है इसमें हम पेलियोलिथिक की बात करते हैं। पेलियोलिथिक मतलब कि ओल्ड एंड लिथिक, पेलियो मतलब ओल्ड एंड लिथिक मतलब स्टोन, तो पेलियोलिथिक मतलब लिटरली ओल्ड स्टोन एज। ये सबसे पहले जब हमें प्रागैतिहासिक प्रस्तर उपकरण मिलते हैं तब से लेकर जब तक कि होलोसीन काल का अंत नहीं होता है तब तक के इस पूरे काल को हम पेलियोलिथिक काल में रखते हैं। सो 3.6 मिलियन ईयर्स से लेकर 10,000 ईयर्स तक का जो हमारा कालानुक्रम है उसको जो है हम पूरा पेलियोलिथिक काल में रखते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा फेज है, इसमें जो ह्यूमन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो 99% ह्यूमन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इसी फेज में हुआ है। इसमें सबसे पहले जो एविडेंसेस हमें मिलते हैं वो लोमेक्वी केनिया से हैं, जो करीब 3.5 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं, और उसके बाद हमें कंसिस्टेंट यूज स्टोन टूल्स का मिलता है 2.5 मिलियन ईयर्स से लेकर, और इस फेज में जो है हमें जीनस होमो का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, और पेलियोलिथिक फेज हमें ओल्ड वर्ल्ड में ही ज़्यादातर देखने को मिलती है, क्योंकि न्यू वर्ल्ड में जो है मानव की का जो उत्पत्ति है वो लेट प्लीस्टोसीन से पहले नहीं है। जब हम लोअर पेलियोलिथिक की बात करते हैं तो सबसे पहले ओल्डोवान या मोड वन की बात आती है, इसको हम मोड वन ओल्डोवान और मोड टू अशुलियन
दो कल्चर्स हमें इसमें मिलते हैं। ओल्जवान की जब हम बात करते हैं तो ओल्जवान कल्चर जो है ये ओल्जवाई गॉज नाम की एक टाइप साइट है तंजानिया में, इसके नाम पर इस कल्चर का नाम रखा गया है। और ये सबसे पहले जो हमें प्रस्तर उपकरण जिसको कि हम आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में रिकग्नाइज कर सकते हैं, ओल्जवान कल्चर के टूल्स जो है वो सबसे पहले रिकग्नाइजेबल आर्टिफैक्ट्स हैं, जो कि सिंपल कोर और फ्लेक टूल्स हैं। और इसको इसीलिए हम कोर एंड फ्लेक कॉम्प्लेक्स या पेबल टूल कल्चर के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो है सिंपल कोर्स कॉबल्स और चंक्स पर बने हुए सिंपल कोर फॉर्म्स जैसे कि चॉपर्स, डिस्कॉइड्स और पॉलीहेड्रॉन्स और हैमर स्टोन, स्टेरॉइड्स और फ्लेक्स और फ्लेक फ्रैगमेंट्स और कुछ रिटच्ड फ्लेक्स जैसे कि फ्लेक स्क्रेपर्स मिलते हैं। रेयर केसेस में हमें बोन का यूज भी इसमें देखने को मिलता है। अब ये जो है किस होमिनिन स्पीशीज के साथ एसोसिएटेड है ये बहुत डिबेटेबल है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में हमें बहुत सारे होमिनिन स्पीशीज उस पीरियड में और उस एरिया में देखने को मिलते हैं, विच इंक्लूड्स ऑस्ट्रेलोपिथेसिन्स एंड होमो। और ये सबसे पहले हमें अफ्रीका में ओल्डोवन कल्चर देखने को मिलता है, और फिर ये बाद में रफली 2 मिलियन ईयर्स के आसपास इसके साइट्स जो हैं हमें मिडिल ईस्ट, जॉर्जिया, ईस्ट एशिया और इवन मेडिटेरेनियन यूरोप से भी देखने को मिलती हैं। जैसा कि हमने बताया था ये सब सिंपल पेबल टूल्स हैं जिसको कि जो है बाइपोलर फ्लेकिंग या डायरेक्ट हैमर परकशन से जो है इसमें से सिंपल फ्लेक्स स्ट्राइक ऑफ करके एक शार्प एज का इस्तेमाल करते हैं। कुछ इस तरह से शार्प एज हमें देखने को मिलती है और इनको जो है हम चॉपर चॉपिंग टूल्स के नाम से जानते हैं। ये जो है हमने पिछले बार भी बताया था कि ये जो है ओल्जवान कल्चर में कुछ इस प्रकार के टूल्स हमें देखने को मिलते हैं, विच इंक्लूड्स यूनिफेशियल एंड बाईफेशियल चॉपर्स, डिस्कॉइड्स, पॉलीहेड्रॉन्स, हैवी ड्यूटी स्क्रेपर्स, स्फेरॉइड्स, ऑल्स एंड प्रोटो बाईफेसेस। सबसे पहले जो हमें एविडेंसेस मिलते हैं स्टोन टूल्स के वो लोमेक्वी नाम की साइट से मिलते हैं, रफली 3.5 मिलियन ईयर्स ओल्ड। और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सिंपल कोर एंड फ्लेक टूल्स हैं जिसमें से कुछ फ्लेक्स स्ट्राइक ऑफ किए गए हैं। लेकिन इसके बाद जो है हमें जो एविडेंसेस मिलते हैं, जो कंटिन्यूस एविडेंसेस हैं, वो रफली 2.5 मिलियन ईयर्स से हमें कंटिन्यूस एविडेंसेस स्टोन टूल्स के मिलते हैं डिफरेंट साइट्स से। इसमें जो सबसे अर्लीस्ट एविडेंसेस हैं वो हैं कार्डागोना इथियोपिया से, और उसमें जो है हमें यूनिफेशियल और बाईफेशियल दोनों ही तरह के फ्लेकिंग मेथड्स देखने को मिलते हैं, जिसमें यूनिपोलर और ऑर्थोगोनल फ्लेकिंग स्ट्रैटेजीज यूज की गई हैं। अब इस साइट पर जो है एक बड़ा क्वेश्चन अराइज हुआ कि यहाँ पर जो है स्पेशली ये जो लोकल एलई नाम की साइट है कीनिया से, विच डेट्स टू 2.3 मिलियन ईयर्स, यहाँ पर जो है एक सिंगल कोर से करीब 38 फ्लेक्स रिमूव किए गए हैं, ऐसा जो है रीफिटिंग के बाद हमें ज्ञात हुआ। तो इससे जो है एक टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कब अराइज हुई इस आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में, इस पर जो है क्वेश्चन उठने लगा, क्योंकि ये समझ में आया कि ये जो हमें अर्लीस्ट एविडेंसेस मिल रहे हैं स्टोन टूल्स के ये ऑलरेडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, और इस समय ऑलरेडी एक लोग जो भी होमिनिन्स थे उनको स्टोन फ्रैक्चर मैकेनिक्स की एक सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो ये डिबेट उठी कि क्या जो है ये कॉम्प्लेक्सिटी रेवोल्यूशनरी थी जो कि इमीडिएटली इमर्ज हुई आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में, या ये कॉम्प्लेक्सिटी ग्रेजुअली इमर्ज हुई होगी। तो इस पर जो है बहस छिड़ी और ये भी बात हुई कि जो ओल्जवान है ये ही फर्स्ट टूल्स है या कोई एक मोड जीरो भी रहा है। तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट हैं जैसे सेमा हैं, पैंजर हैं, कार्बोनेल एचॉल हैं,
पैंजर एंड कार्बोनेल एटॉल ने जो है ये बोला कि शायद ये जो लिथिक टेक्नोलॉजी है इसका ग्रेजुअल एवोल्यूशन हुआ होगा, जो जैसे चिंपैंजीज हैं उनको देखा गया है कि वो नट क्रैकिंग के लिए स्टोन्स का इस्तेमाल करते हैं और ये टूल्स को मॉडिफाई नहीं करते हैं बट उनका इस्तेमाल करते हैं, दे मैनिपुलेट स्टोन एज टूल्स विदाउट मॉडिफिकेशन। तो शायद इसी तरह के किसी प्रकार के यूज से जो है ग्रेजुअली स्टोन टूल टेक्नोलॉजी इमर्ज हुई होगी, जबकि सेमा का कहना था कि ये अब्रप्टली जो है लिथिक आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में अराउंड 2.6 मिलियन ईयर्स पहले आती है। अफ्रीका के अलावा फिर हमें और भी जगह से ओल्जोवान कल्चर के या मोड वन टाइप ऑफ टूल्स जो है वो मिलते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो नेम है वो है दिमानेसी का। दिमानेसी साइट से हमें जो है रफली 1.8 मिलियन ईयर्स के आसपास जो है हमें इस प्रकार के मोड वन टूल्स जो है वो सिंपल कोर एंड फ्लेक फॉर्म्स जो है वो मिलते हैं, एसोसिएटेड विद द रिमेन्स ऑफ अ होमिनिन, स्मॉल ब्रेन होमिनिन विच हैज विच द आर्क्योलॉजिस्ट जो है उनको कुछ आर्क्योलॉजिस्ट जो एक्सकेवेटर्स हैं उसको वो एक अलग स्पीशीज में रखना चाहते हैं होमोजियोर्जिकस के नाम से। इसके अलावा हमें स्पेन से 1.2 मिलियन ईयर्स के आसपास मिलते हैं, पर इस टाइम पर ऑलरेडी जो है अशुलियन कल्चर अफ्रीका में इमर्ज हो चुका था। तो एक डिबेट ये भी इमर्ज होती है कि ये यूरोप में हमें इस टाइम पीरियड में मोड वन टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी क्यों देखने को मिलती है। अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से भी हमें नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में दो साइट्स हैं, ये रिवात से जो है हमें रफली 2.5 मिलियन ईयर ओल्ड जो है कुछ क्वार्ट्जाइट पर बने कुछ कॉबल्स एंड फ्लेक्स मिलते हैं। उसके अलावा जो है हमें ये रिवाज से जो आर्टिफैक्ट्स हैं पब्बी हिल से वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ के पास एक पुरातात्विक स्थल है मासोल, वहाँ से हाल ही में जो है कुछ फॉसिल्स के साथ जो है कुछ 200 क्वार्ट्जाइट टूल्स मिले हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इन फॉसिल्स पर जो है हमें स्टोन टूल्स के कट मार्क्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये कट मार्क्स जो है निश्चित ही ये बताते हैं कि स्टोन टूल्स का इस्तेमाल जो है हुआ होगा। ऑल्दो ये जो स्टोन टूल्स हमें इस साइट से मिलते हैं ये थोड़ा सा डिबेटेबल कॉन्टेक्स्ट है, और इस साइट का जो डेटिंग है वो रफली 2.6 मिलियन ईयर्स है पेलियोमैग्नेटिज्म के आधार पर। अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, नॉर्थ ईस्ट, मेडिटेरेनियन यूरोप और ईस्टर्न एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया से भी देखने को मिलती हैं। ओल्जोवान कल्चर का जो डेवलपमेंट है उसमें हमें ये ज़्यादातर जो साइट्स हैं वो ग्रासलैंड और वुडलैंड एनवायरनमेंट्स के साथ ओपन एयर लोकेलिटीज से एसोसिएटेड हैं, स्ट्रीम्स और लेक्स के पास हमें मिलती हैं, और इसमें जो है हमें देखने को मिलता है कि सिंपल लिथिक टूल्स हैं जो इनका की रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्ट जो है 5 से 10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं हुआ होगा, तो इनका होम रेंज बहुत लिमिटेड है। ऑल्दो और कहीं कहीं पर हमें सिंपल सेटलमेंट स्ट्रक्चर्स भी आर्कियोलॉजिस्ट ने पोस्टुलेट किए, लेकिन ये नेचुरल भी हो सकते हैं। कुछ साइट से जो है फायर के एविडेंसेस की भी घोषणा की गई है, बट अगेन ये एंथ्रोपोजेनिक है कि नेचुरल है इस पर बहुत सारे डिबेट्स हैं। और ओल्डोवान कल्चर जो है वो लगभग 1 मिलियन ईयर्स तक चलता है, विच मीन्स कि ये 1.7 मिलियन ईयर्स के आसपास जब अशुलिन कल्चर चालू होता है तब से लेकर 1 मिलियन ईयर्स तक रफली जो है ये ओल्डोवान और अशुलिन जो है वो एक साथ को एग्जिस्ट कर रहे थे। अब ये जो ओल्जोवान के साथ जो टूल मेकर्स एसोसिएटेड हैं,
पहले ये माना गया था कि ये टूल्स जो है वो होमो हैबिलिस के साथ एसोसिएटेड हैं, लेकिन अब जो हमें हाल ही में डिस्कवरीज मिली हैं उससे ये पता चलता है कि ये स्टोन टूल्स फर्स्ट हैबिलिस फाइंड से पहले से भी हमें मिल रहे हैं, और इस पीरियड में बहुत सारे होमिनिन स्पीशीज जो है हमें इन आर्कियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलते हैं, विच इंक्लूड्स ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोइजियाई, ऑस्ट्रेलोपिथेकस गरी, पैरेंथ्रोपस रोबस्टस, पैरेंथ्रोपस एथियोपिकस, होमो हैबिलिस, होमो रुडोल्फिनसिस एटसेट्रा। अब इनमें से किसने ये टूल्स बनाए हैं ये कह पाना मुश्किल है। तो कुछ लोग जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस गरी को जो है प्रोबेबल टूल मेकर के नाम से जानते हैं। अब ये जो अर्लीस्ट होमो था, ये हंटर था या स्कैवेंजर था, ये भी बड़ा डिबेटेबल है, या ये अपॉर्चुनिस्टिक स्मॉल गेम की हंटिंग करता था या मार्जिनल स्कैवेंजिंग करता था, क्या करता था ये कह पाना बहुत मुश्किल है। जब हम मोज टू या अशुलियन कल्चर की बात करते हैं तो ये जो अशुलियन कल्चरल ट्रेडिशन है ये 1.7 मिलियन ईयर्स के आसपास हमें इसके फर्स्ट एविडेंसेस जो है देखने को मिलते हैं। इसका जो नामकरण है वो सेंट अशूल नाम की साइट है फ्रांस में, उसके नाम पर पड़ा जहाँ पर हमें सबसे पहले इसके साक्ष्य मिले, लेकिन जो इस काल की अर्लीस्ट जो साइट है वो कॉन्जो गार्डुला इथियोपिया में जो है, वहाँ से हमें सबसे पुराने अशुलियन कल्चर के साक्ष्य मिलते हैं। अशुलियन कल्चर और ओल्डोवान कल्चर में जो डिफरेंस है, और इसमें जो है हमें लार्ज बायफेशियल टूल्स देखने को मिलते हैं, तो एक नया प्रकार का इनोवेशन था जिसमें सिंपल कोर्स और फ्लेक्स ना मिलकर जो है इंटेंशनल शेपिंग की गई है कॉबल्स और नोड्यूल्स की, जिसमें कि उनको पॉइंटेड टिप्स दी गई हैं और उनमें से कुछ क्लीवर भी बनाए गए हैं, और इसमें जो है हमें रॉ मटेरियल्स जो देखने को मिलते हैं वो फाइन ग्रेन्ड लावास, क्वार्ट्साइट्स और फ्लिंट्स देखने को मिलते हैं, और इसके जो अर्ली फेसेस हैं उसमें जो हमें बाईफेसेस देखने को मिलती हैं वो क्रूड हैं, हार्ड हैमर परकशन से बनी है, जबकि लेटर फेसेस में ज़्यादा रिफाइंड बाईफेसेस जो है शायद वो सॉफ्ट हैमर टेक्निक से बनी हैं। ये कल्चर जो है होमो इरेक्टस के साथ एसोसिएटेड है। होमो इरेक्टस एक लार्ज बॉडीड, लार्ज ब्रेन्ड होमिनिन था, और ये कहा जाता है कि ये जो लार्ज बॉडी लार्ज ब्रेन है इसको मेंटेन करने के लिए जो है परहैप्स हायर एनर्जी चाहिए होगी, विच मींस कि जो उसका फीडिंग रिक्वायरमेंट है वो हाई मेटाबॉलिक कॉस्ट इनकर करता होगा, तो उस उतना फूड गैदर करने के लिए परहैप्स जो टेक्नोलॉजी वॉज इम्पॉर्टेंट, तो ये जो टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई दैट हेल्प्ड होमो इरेक्टस इन गेनिंग दिस लार्ज बॉडी एंड लार्ज ब्रेन एंड मेंटेनिंग सोशल ग्रुप्स। पहले ऐसा माना जाता था कि जो अशुलियन कल्चर है या होमो इरेक्टस है वो जैसे ग्रासलैंड्स या सवाना का एक्सपेंशन हुआ आफ्टर द एरिडिटी ऑफ 1.8 मिलियन ईयर्स, तो उस काल में जो है होमो इरेक्टस और अशुलियन स्प्रेड हुआ। इसमें जो है हमें फायर के कंट्रोल यूसेज के भी एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। हम पिछली बार बता चुके हैं कि इसके जो टिपिकल टूल्स हैं वो हैंड एक्सेस हैं जो कि कोर या फ्लेक दोनों पर भी बने हो सकते हैं, और क्लीवर्स हैं जो ज़्यादातर फ्लेक्स पर ही बने होते हैं, जिसमें कि फ्लेक्स को जो है इस तरह से शेप किया जाता है कि उसका एक परपेंडिकुलर शार्प कटिंग एज हो। जब हम हैंड एक्सेस और क्लीवर्स की बात करते हैं तो ये जो हैंड एक्सेस हैं वो हमें ऑल ओवर दी ओल्ड वर्ल्ड देखने को मिलते हैं, अफ्रीका, नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, मिडल ईस्ट, साउथ एशिया एंड वेस्टर्न एशिया।
लेकिन जब हम क्लीवर्स की बात देखने को मिलते हैं, ये जो क्लीवर्स हैं ये स्पेशल टूल्स हैं जिनकी की एक ट्रांसवर्स कटिंग एज होती है, जो कि ये जो डॉर्सल और वेंट्रल सर्फेसिस की इंटरसेक्शन से बनती है। और ये जो कटिंग एज है ये पहले से ही प्री डिटर्मिंड होती है, इसको बाद में शेपिंग करके नहीं बनाया जाता है, विच मीन्स कि जो अशुलियन टूल मेकर्स थे उनके दिमाग में पहले से ही एक शेप था टूल्स का, जिसको कि वो कोर को शेप करके निकालते थे। इसको बनाने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि कोम्बेवा है, टैकिनगेट है, स्लाइस सैब मेथड है। उसके अलावा अशुलियन में जो है हमें बिगनिंग में ही प्रिपेयर्ड कोर टेक्नोलॉजीज भी देखने को मिल जाती हैं। कुछ प्रिपेयर्ड कोर टेक्नोलॉजीज की शुरुआत जो है, जैसे कि लेवोल्वा है, इसकी शुरुआत जो है अशुलियन कल्चर में ही हमें देखने को मिल जाती है। कभी कभी जो है मिडिल प्लीस्टोसीन में जो है हमें वुडन स्पेयर्स और बहुत सारे दूसरे टूल्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि बिल्जिंग्स लेबन से, शोनिनजन से, इन साइट से हमें लेटर पीरियड्स में वुडन स्पेयर्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं। अर्ली अशुलियन जो है वो होमो इरेक्टस या होमो अर्गास्टर के साथ एसोसिएटेड है, जबकि लेटर अशुलियन जो है वो आर्केक होमो सेपिंस या होमो हिडेल्बर्जेंसिस के साथ एसोसिएटेड है। जो क्लासिक हैंडएक्स और क्लीवर असेंबलेजेस हैं वो अफ्रीका, नियर ईस्ट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और वेस्टर्न यूरोप में ही हमें देखने को मिलते हैं। ईस्ट ऑफ एशिया जो है वो हमें सिंपल मोड वन ओल्ड वन लाइक टेक्नोलॉजीज देखने को मिलती हैं, स्पेशली ईस्टर्न यूरोप या ईस्टर्न एशिया में। इसके आधार पर जो है मोवियस ने एक विभाजन किया था, जिसको आज हम मोवियस लाइन के नाम से जानते हैं, और उनका कहना था कि ईस्ट एशिया में जो है हमें बाईफेशियल टेक्नोलॉजी नहीं देखने को मिलती है, लेकिन हाल ही में साउथ चाइना से, बाइजे बेसिन से हमें जो है और भी कुछ साइट्स हैं जहां से हमें रफली 700,000 ईयर्स, 1 मिलियन ईयर्स के आसपास जो है हमें कुछ अशुलियन साइट्स देखने को मिलती हैं, जो कि इस मोवियस लाइन पर डाउट कास्ट करती है। इसके अलावा अशुलियन जो यूरोप में है वो हमें 600-700,000 ईयर्स से पहले देखने को नहीं मिलता है, ऑल्दो स्पेन में साइट्स हैं सोलाना डेल जाम्बोरिनो और क्वेवा नेग्रा डेल एस्ट्रेचो डेल क्वेपार, जहाँ पर हमें रफली 1 मिलियन ईयर्स के आसपास जो है अशुलियन के एविडेंसेस मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो यूरोप में अशुलियन के एविडेंसेस जो है वो 700,000 ईयर्स के बाद के ही हैं। तो अगेन ये क्वेश्चन मार्क उठता है कि यूरोप में अशुलियन इतना लेट हमें क्यों देखने को मिलता है, जबकि अफ्रीका में, वेस्ट एशिया में, साउथ एशिया में जो है वो अशुलियन लगभग 1.5 मिलियन ईयर्स के आसपास देखने को मिलता है। ये जो है अशुलियन साइट्स का एक्सटेंट है। इसमें हमें एज आई सेड की कंट्रोल्ड एविडेंसेस फायर के मिलते हैं, स्पेशली जेशर बेनोत याकोव नाम की एक साइट है इसराइल से, जहाँ पे डेफिनेट। इसके अलावा कुछ साइट्स हैं जैसे बरखत राम हैं, वहाँ से हमें कुछ नॉन फंक्शनल आर्टिफैक्ट्स हैं। हुंसकी से हमें जो है रेड ऑकर के कुछ स्पेसिमेंट्स हैं। बिल्जिंग्स लेबन से भी हमें कुछ नॉन फंक्शनल आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे इंसाइज्ड बोन्स हैं, रेड ऑकर हैं। ये कुछ सिंबॉलिक, प्रोटो सिंबॉलिक बिहेवियर जो है वो दर्शाते हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि होमो इरेक्टस जो है वो अफ्रीका से लगभग 1 मिलियन ईयर्स के आसपास जो है वो एशिया और यूरोप में माइग्रेट हुआ, लेकिन अब जो हमें जावा और जॉर्जिया वगैरह में हमें जो साइट्स मिल रही हैं
उसकी रीडेटिंग से हमें पता चलता है कि होमो इरेक्टस जो है वो एशिया में रफली 1.82 मिलियन ईयर्स के आसपास ऑलरेडी था। तो ये जो है ये अगेन ये क्वेश्चन मार्क उठता है कि होमो जो है वो होमिनिन्स जो है सबसे पहले अफ्रीका से कब जो है वो एशिया में गए। क्या ऑलरेडी जो है ऑस्ट्रेलोपिथेसिन स्टेज में होमिनिन्स जो है ओल्डोवान कल्चर के दौरान जो है वो एशिया में गए या फिर वो बाद में गए। इम्पॉर्टेंट अशुलियन साइट्स जो हैं वो इंडिया में जो है ये लोअर पैलियोलिथिक एक्सकेवेटेड साइट्स हैं जिसमें जो है राजस्थान में जिटवाना, भीमबेटका, आदमगढ़, महादेव पिपरिया, ये बहुत चिरकी, इसामपुर, मोरगांव, ये बहुत सारी साइट्स हैं। ऑल ओवर पेनिनसुलर इंडिया से हमें जो है अशुलियन साइट्स देखने को मिलती हैं। चिरकी जो है ये एक इम्पॉर्टेंट साइट है जहाँ से हमें जो है अर्ली और लेट अशुलियन दोनों के ही हमें एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मोरगांव जो है वो पूना के पास जो है ये एक इम्पॉर्टेंट साइट है जिसके साथ वोल्केनिक ऐश एसोसिएटेड है और यहाँ से हमें अर्लीस्ट जो चेन्नई के पास जो है यहाँ से हमें लगभग 1.5 मिलियन ईयर्स के आसपास जो है अशुलियन के प्रमाण मिलते हैं जिसका कि डेटिंग जो है पेलियोमैग्नेटिज्म और कॉस्मोजेनिक न्यूक्लियाइट्स के आधार पर की गई है। इसके अलावा इसामपुर से जो है वो हमें अशुलियन के एविडेंसेस जो है वो उसकी डेटिंग ESR के आधार पर मोर देन 1.2 मिलियन ईयर्स आकी गई है। तो भारतवर्ष में हमें अशुलियन जो है वो लगभग 1.5 मिलियन ईयर्स के बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन ये भी माना गया है, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का ये कहना है कि इंडिया में जो है वो यंगेस्ट अशुलियन भी पाया गया है जैसे कि सोन वैली में जो है लगभग 200,000 ईयर्स के आसपास तक हमें अशुलियन के साक्ष्य देखने को मिलते हैं जो कि जिसका कॉन्टेक्स्ट जो है थोड़ा सा डिबेटेड है। इसके बाद हम बात करते हैं मिडिल पैलियोलिथिक या मिडिल स्टोन एज की। मिडिल पैलियोलिथिक या मिडिल स्टोन एज की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो है हमें स्क्रेपर्स अब अशुलियन में जैसे कि हमें हैंड एक्सेस और क्लीवर्स मिल रहे थे, अब हैंड एक्सेस और क्लीवर्स जो है वो धीरे धीरे कम वो हो जाते हैं और हमें फ्लेक्स पर बनी रिटच टूल्स जैसे कि स्क्रेपर्स, पॉइंट्स, बैग्स, नाइव्स, डेंटिकुलेट्स, ब्यूरेंस एक्सेट्रा मिलते हैं। और ये प्रिपेयर्ड कोर टेक्नोलॉजी जैसे कि लेवोल्वा, डिस्कॉइड और क्विना रिडक्शन से बने हैं। इसके साथ जो है कई बार हमें वुडन स्पेयर टेक्नोलॉजी भी के भी एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। तो ये जो टूल्स हैं ये सजेस्ट करते हैं कि इनकी जो है वो किसी वुडन या बोन उस पीसेस में हैफ्टिंग की गई होगी। तो ये अर्ली कॉम्पोजिट टूल्स के डेवलपमेंट को दर्शाता है। ये जो है इस प्रकार के टूल्स जो है हमें मिडिल पैलियोलिथिक में देखने को मिलते हैं जिसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये जो है ज़्यादातर प्रिपेयर्ड कोर टेक्नोलॉजी से बने हैं जहाँ पर कि जो है कोर को जो है वो शेप दिया जाता है इस प्रकार से कि उसकी जो दोनों सर्फेसिस हैं उसको एक को प्रेफर्ड फ्लेकिंग सर्फेस और दूसरे को स्ट्राइकिंग प्लेटफॉर्म सर्फेस की तरह इस्तेमाल करके फ्लेक्स को ये जो इंटरसेक्शन प्लेन है इसके पैरेलल डिटैच किया जाता है। और इस जो प्रिपेयर्ड कोर टेक्नोलॉजी का जो मेन यूसेज है वो ये है कि फ्लेक की मॉर्फोलॉजी और साइज को जो है हम अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और
जैसा कि पहले जो अशुलिन कल्चर में इस प्रकार का कंट्रोल नहीं पॉसिबल था। लेवोल्वा के अलावा डिस्कॉइज और क्विना रिडक्शन मेथड्स भी हमें देखने को मिलते हैं। ये मिडिल पेलियोलिथिक को जो है वो उनकी टाइपोलॉजी और टेक्नोलॉजी के आधार पर जो है वो करीब 5 फेज टिपिकल मोस्टीरियन, क्विना मोस्टीरियन, जेंजिकुलेट मोस्टीरियन, फेरासी मोस्टीरियन और मोस्टीरियन ऑफ अशुलियन ट्रेडिशन के नाम से जानते हैं। ये जो मिडिल पेलियोलिथिक या अफ्रीका में मिडिल स्टोन है जे, इस दौरान जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी शो करते हैं। बहुत डाइवर्सिफाइड फॉर्म्स ऑफ टूल्स हमें देखने को मिलते हैं। इसमें रीजनल, क्रोनोलॉजिकल और फंक्शनल वेरिएशन देखने को मिलता है। कभी कभी जो है पर्सनल अडॉर्नमेंट भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि ऑकर पीसेस या एनग्रेव्ड बोन पीसेस देखने को मिलते हैं। और रफली अराउंड 100-200,000 ईयर्स से हमें इंटेंशनल इंटरमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडीज या बेरियल्स देखने को या ग्रेव्स देखने को मिलते हैं। इस दौरान जो रॉ मटीरियल है उसका ट्रांसपोर्ट बहुत बढ़ गया था और वो लगभग 100 किलोमीटर्स दूर से जो है होमिनिन्स रॉ मटीरियल्स लाकर टूल्स बनाते थे। और इस समय जो है हमें फायर हार्ट्स के भी एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, जो निश्चित बताता है कि फायर का जो यूज था वो कंट्रोल्ड हो गया था। और कुछ क्लियर आर्किटेक्चरल फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर यूरोप में ज़्यादातर साइट्स जो है वो हमें केव्स और रॉक शेल्टर्स में मिलती हैं, जबकि भारतवर्ष में हमें ओपन एयर साइट्स, मिडिल पेलियोलिथिक साइट्स हमें ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और इवन पेरीग्लेशियल क्लाइमेटिक रिजीम्स में भी देखने को मिलती हैं। तो इसका जो इस काल में जो होमिनिन्स का रेंज था वो बहुत सारे एनवायरमेंटल जोन्स में एक्सटेंड हो गया था अफ्रीका और यूरेशिया में। सिर्फ कुछ हार्श डेजर्ट या एक्सट्रीम आर्कटिक टुंड्रास जो हैं वहाँ पर हमें नहीं देखने को मिलते हैं। ये जो टूल्स हैं वो ज़्यादातर हमें आर्केक होमो सेपियंस के साथ, इंक्लूडिंग नियांडरथल्स या अर्लीस्ट एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमंस के साथ एसोसिएटेड मिलते हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं अपर पेलियोलिथिक या लेट स्टोन एज की, तो ये जो है डेफिनेटली एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमंस के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन कुछ अर्ली अपर पेलियोलिथिक साइट्स जो है वो नियांडरथल्स के कंटेम्प्रेरी भी हैं। ये ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, डेजर्ट और आर्कटिक सभी प्रकार के क्लाइमेट्स में हमें इस टाइम पीरियड की साइट्स देखने को मिलती है। और इस टाइम पीरियड के दौरान ही शायद यूरोपियन आर्कटिक्स में सेटलमेंट एंड इवन इन जापान सेटलमेंट जो है वो इस टाइम पीरियड में हुआ था। और शायद ऑस्ट्रेलिया और पॉलिनेशिया, मेलानेशिया में भी जो है वो इस टाइम पीरियड में होमिनिन्स एक्सटेंड कर गए थे, इवन आर्कटिक साइबेरिया में। एंड इस पीरियड के अंत में जो है अमेरिकास में भी जो है होमिनिन्स बेरिंग स्ट्रेट्स के थ्रू पहुंच गए थे। इसमें जो है हमें कई कल्चर्स देखने को मिलते हैं। अर्ली अपर पेलियोलिथिक में ऑरिग्नेशियन और ग्रेविटियन कल्चर्स, लेट अपर पेलियोलिथिक में सोल्यूशन और मैग्डलिनियन कल्चर्स। जैसा कि यहाँ पर ये कल्चरल क्रोनोलॉजी हमें देखने को मिल रही है, जिसमें मिडिल और अपर पेलियोलिथिक के बीच में कुछ ट्रांजिशनल कल्चर्स हैं, जैसे कि शार्टल परोनियन और फिर ऑरिग्नेशियन, ग्रेविटियन, सोल्यूशन, मैग्डलिनियन एंड सो ऑन। इस पीरियड में जो टेक्नोलॉजी है वो ब्लेड या लैमिनर टेक्नोलॉजी है, जिसमें कि इलोंगेटेड फ्लेक्स जो है वो इनडायरेक्ट परकशन या सॉफ्ट हैमर या मे बी प्रेशर फ्लेकिंग से निकाले गए हैं, जिससे कि हमें एक ही ब्लैंक से हम कई फ्लेक्स निकाल सकते हैं। मिडिल ये सोल्यूशन कल्चर में और अफ्रीका में जो है हमें इस पीरियड में बाइफेशियल पॉइंट्स भी देखने को, ट्रीटमेंट के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं।
और जो नॉन लिथिक मटेरियल्स है जैसे कि बोन, एंटलर, आइवरी, इनको भी जो है पॉइंट्स, नीजल्स, हार्पून्स में कन्वर्ट किया गया है। और जो टूल्स हैं वो ज़्यादा स्टैंडर्डाइज और डाइवर्सिफाइड हो जाते हैं स्पेसिफिक टूल टाइप्स में, जो कि डिस्टिंक्ट पर्पजेस के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। ये जो है ब्लेड्स हैं जिसमें से जो है जिनको रिटच करके जो है डिफरेंट टूल फॉर्म्स में इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा हमें बोन, एंटलर और आइवरी पर बने आर्टिफैक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। स्पेयर थ्रोवर्स जो है वो इस टाइम पीरियड में जो है वो आ जाते हैं। इसके अलावा इस टाइम पीरियड में सिंबॉलिक एक्सप्रेशन जो है हमें बहुतायत में देखने को मिलता है। इवन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के भी एविडेंसेस मिलते हैं। चारकोल, पिगमेंट्स, इन सब के भी एविडेंसेस मिलते हैं। और जो हमें सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है वो ड्राइंग, पेंटिंग, एनग्रेविंग, कार्विंग और मॉडलिंग, इन सभी मेथड्स के थ्रू देखने को मिलता है। तो इस टाइम पीरियड में जो मटेरियल कल्चर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया था, और ये इंडिकेट करता है कि इस टाइम पीरियड तक मॉडर्न कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज फुली डेवलप हो गई थी एंड शायद लैंग्वेज भी फुली डेवलप्ड हो गई थी। ये कुछ पर्सनल अडॉनमेंट्स हैं जो हमें मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेल बीड्स एंड सो ऑन, जो कि हमें वेरियस साइट से मिलते हैं। इसके अलावा हमें केव आर्ट के भी एविडेंसेस मिलते हैं इस पीरियड से। केव आर्ट के साथ साथ हमें पोर्टेबल आर्ट के भी एविडेंसेस मिलते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें ट्रू बेरियल्स के एविडेंसेस मिलते हैं, जो कि मिडिल पेलियोलिथिक से ज़्यादा इलैबोरेट और ज़्यादा कॉमन हो गए थे। और इसमें कई बार जो है हमें इसके साथ एसोसिएटेड ग्रेव गुड्स भी मिलते हैं, जैसे स्टोन टूल्स, ज्वेलरी, बोन, एंटलर और आइवरी आर्टिफैक्ट्स, जो कि ये सजेस्ट करते हैं कि शायद इस समय होमिनिन्स में ऑलरेडी बिलीफ इन आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट जो है वो आ गया था। कुछ आर्किटेक्चरल फीचर्स भी हमें मिलते हैं। कुछ साइट्स पर हमें सेटलमेंट स्ट्रक्चर्स के एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे कि जोलनी वेस्टोनिश से। इसके अलावा हमें फाइबर प्रोसेसिंग की और ग्रास सीड गैदरिंग के भी एविडेंसेस मिलते हैं। और बोन और एंटलर नीडल्स जो हमें मिलती हैं वो ये दर्शाती हैं कि शायद इस समय तक ऑलरेडी होमिनिन्स जो है क्लोदिंग जो है उसका इस्तेमाल कर रहे थे। और जो फायर्ड क्ले फ्रैगमेंट्स हैं उन पर भी जो हमें इम्प्रेशंस मिलते हैं, उससे भी पता चलता है कि ये प्लांट मटेरियल से बने कुछ वुवन टेक्सटाइल्स का इस्तेमाल कर रहे थे। और इस समय जो साइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा न्यूमरस हो जाती हैं, और इसमें हमें जो मटेरियल्स मिलते हैं उनका भी डेंसर कॉन्सेंट्रेशन मिलता है, जो ये सजेस्ट करता है कि इस समय पॉपुलेशन साइजेस जो है वो बढ़ गए थे और साइट्स रेगुलरली हैबिटेड हो रही थी, जिससे कि उसका जो कंटिन्यूस ऑक्यूपेशन ऑफ साइट्स हमें देखने को मिलती है। और इंडिया में भी हमें इस पीरियड की साइट्स ऑल ओवर इंडिया से देखने को मिलती है, जिसमें इम्पॉर्टेंट है पाटने, विच इज डेटेड टू रफली अराउंड 25,000 ईयर्स, अलॉन्ग विद ऑस्ट्रिच एक्सेल बीड्स एंड एनग्रेव्ड पीसेस। उसके अलावा मेहताखेड़ी से हमें अर्लीस्ट माइक्रोब्लेड टूल्स के एविडेंसेस मिलते हैं, विच आर डेटेड टू अराउंड 45,000 ईयर्स। और हाल ही में सोन वैली से भी हमें 48,000 ईयर्स के आसपास जो है वो माइक्रोलिथिक टूल्स देखने को मिलते हैं। अब जब हम मेसोलिथिक या मोड फाइव की बात करते हैं तो ये माइक्रोलिथिक टूल्स से कैरेक्टराइज होता है। कुछ रीजन्स में इसको, स्पेशली मिडल ईस्ट में, इसको एपी पेलियोलिथिक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मिडल ईस्ट में जो है वो फार्मिंग जो है जल्दी डेवलप हो गई थी। और इसमें जो है लार्ज ब्लेड्स से या माइक्रो ब्लेड्स से जो है अब्रप्ट या ट्रंकेटेड रीटचिंग करके जो है जो सेगमेंट्स हैं, ब्लेडलेट्स हैं, उनसे जो है कॉम्पोजिट
टूल्स बनाए गए हैं। इस पीरियड में जो ह्यूमंस थे वो स्पेशलाइज्ड हंटर गैदरर्स हो गए थे और ये डाइवर्स एनवायरनमेंट्स ऑक्यूपाई कर रहे थे, जैसे कि नॉर्दर्न यूरोप में जो है वो फॉरेस्टेड लैंड्स को ऑक्यूपाई कर रहे थे, इवन कोस्टल रीजन्स, मेडिटेरेनियन ग्रासलैंड रीजन, सभी जगह जो है वो मेसोलिथिक साइट्स हमें देखने को मिलती हैं। यूरोप में जो मेजर कल्चरल ट्रेडिशंस हमें देखने को मिलते हैं उसमें अजीलियन, टार्जनोइसियन, मैगलेमोइसियन, अस्टूरियन और कैम्पिग्नियन है। अजीरियन कल्चर में हमें जो मेनली पेंटेड पेबल्स देखने को मिलते हैं। ये जो मैगलेमोइसियन है ये जो है नॉर्दर्न यूरोप में फॉरेस्टेड बॉक्स के साथ एसोसिएटेड है और इवन इस दौरान जो है हमें लेक ज्वेलिंग्स के भी ऑक्यूपेशंस देखने को मिलते हैं। ये इस पीरियड में जो टूल्स हैं वो ब्लेडलेट्स पर बने हैं। ब्लेडलेट्स को जो है वो इस प्रकार से जो है सेगमेंटेड ब्लेडलेट्स को जो है वो हैफ्टिंग करके जो है वो कॉम्पोजिट टूल्स में इस्तेमाल किया जाता था और इस दौरान हमें ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये ल्यूनेट्स हैं, ट्राइंगल्स हैं, चपीज हैं। इस तरह से हमें ज्योमेट्रिकली शेप्ड माइक्रोलिथ्स भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमें ट्रंकेटेड ब्लेडलेट्स और बैक्ड एज ब्लेडलेट्स जो है वो इस पीरियड में कॉमन हो जाते हैं। इस तरह से इन टूल्स को जो है वो हैफ्ट करके कॉम्पोजिट वेपन्स की तरह से इस्तेमाल किया जाता था। ये जो फ्लेक्स हैं इनको जो है इस प्रकार से जो है वो ऐसे जो है रिज स्ट्रेटनिंग फ्लेक्स पहले से प्रोड्यूस करके फिर उससे जो है उसको लैमिनर ब्लेड्स प्रोड्यूस किए जाते थे। ये कुछ ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ्स हैं जो हमें इस पीरियड में देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये ट्रपीज़ेस हैं, ट्राइंगल्स हैं, ल्यूनेट्स हैं और ये पॉइंट्स जो है इस पीरियड में बहुत कॉमन है, चाहे वो यूनिलेटरली रिटच पॉइंट्स हों, चाहे वो बाइलेटरली रिटच्ड पॉइंट्स हों या फोलिएज पॉइंट्स हों। इसके अलावा माइक्रोब्यूरेंस जो हैं वो भी बहुत कॉमन हैं इस पीरियड में और माइक्रोलिथ्स को इस तरह से जो है हैफ्ट करके एज डार्ट टिप्स, बार्ब्स या कटिंग टूल्स इस्तेमाल किया जाता था और एरोहेड्स की तरह से भी इनका इस्तेमाल किया जाता था। जब हम नियोलिथिक कल्चर की बात करते हैं तो नियोलिथिक टर्म सबसे पहले अभी जैसे हमने बताया था लबॉक ने 1865 में कॉइन किया था। नियोलिथिक जो है वो होलोसीन पीरियड में जैसे इंटरग्लेशियल फेज आया, वार्मिंग हुई तो धीरे धीरे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ और देयर वाज अ शिफ्ट फ्रॉम फूड गैदरिंग टू फूड प्रोड्यूसिंग और इस दौरान जो है पॉटरी का भी डेवलपमेंट होता है और कुछ नए प्रकार के स्टोन टूल्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें कि पॉलिश्ड स्टोन टूल्स जिसमें सेल्स जो हैं एजेस, एक्सेस और चिजल्स ये हमें देखने को मिलते हैं, जैसा हमने प्रीवियस टॉक में बताया था। और ये जो क्योंकि एग्रीकल्चर डेवलप हो जाता है तो एग्रीकल्चर के साथ साथ अब हमें परमानेंट सेटलमेंट देखने को मिलता है। वी गॉर्डन चाइल्ड ने नियोलिथिक को एक रेवोल्यूशन कहा है क्योंकि इस समय जो है वो एक मेजर चेंज होता है फ्रॉम फूड गैदरिंग टू फूड प्रोड्यूसिंग और फूड प्रोड्यूसिंग की वजह से बहुत सारे हमें डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं और ह्यूमन सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये रफली जो है 10,000 BCE के दौरान जो है नियोलिथिक चालू होता है कुछ प्लेसेस में
और इसमें जो है एग्रीकल्चर और प्लांट्स डोमेस्टिक एनिमल डोमेस्टिकेशन भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन यूरोप में ये थोड़ा लेट इसका डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। इसके बाद कैल्कोलिथिक या ब्रॉन्ज एज आता है, ये रफली 5000 ईयर्स के आसपास जो है, जैसे कि ह्यूमंस ने मेटल को फोर्ज करने की टेक्निक सीख ली, वैसे ही ये फेस चालू होता है। जो अर्लीस्ट एविडेंसेस हैं मेटल ऑब्जेक्ट्स के, वो हमें टर्की से देखने को मिलते हैं रफली 7000 BC के आसपास। लेकिन जो स्टोन से मेटल ऑब्जेक्ट्स का यूज था, उसका जो ट्रांजिशन था वो बहुत स्लो है, और इस दौरान जो है मेटल्स के साथ साथ स्टोन का भी यूसेज हमें देखने को मिलता है, इसीलिए हम इसको कैल्कोलिथिक फेस के नाम से जानते हैं, विच मीन्स कॉपर स्टोन फेस, जिसमें कि स्टोन और कॉपर दोनों का ही इस्तेमाल देखने को हमें मिलता है। मेटल्स का जो वाइड स्प्रेड यूज है वो जब आयन टेक्नोलॉजी आ जाती है तभी ज्यादा वाइड स्प्रेड यूज देखने को मिलता है, बिकॉज कॉपर और जो है बहुत लिमिटेड था। पेनिनसुलर इंडिया में जो है वो कैल्कोलिथिक का डेवलपमेंट रफली 3rd millennium BC में देखने को मिलता है, और 2nd millennium BC तक बहुत सारे रीजनल कैल्कोलिथिक कल्चर्स जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ जाते हैं, जो कि नॉर्दर्न सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं, और हर जगह पे मतलब डिफरेंट ज्योग्राफिक लोकेल्स में उनका डिफरेंट कैरेक्टर देखने को मिलता है, पर्टिकुलरली जो टेक्नोलॉजी है, आर्किटेक्चर है, सिरामिक्स है, इसमें जो है हमें बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको कई डिफरेंट कल्चर्स में विभाजित किया है, जैसे कि अपर गंगा यमुना दुआब में जो है हमें वो OCP या ऑर्कर कलर्ड पॉटरी कल्चर, बानस बेसिन मेवाड़ में जो है राजस्थान में वो आहार बानस कल्चर, मध्य प्रदेश में चंबल नर्मदा और तापी वैलीज में कायथा कल्चर, वेस्टर्न मध्य प्रदेश या मालवा में मालवा कल्चर, जो कि इवन महाराष्ट्र में भी कुछ पार्ट्स में देखने को मिलता है, वेस्टर्न महाराष्ट्र में सावलदा एंड जोरवे, और लोअर गंगा वैली एंड नॉर्दर्न विंध्यास में नरहान कल्चर। तो ऑल ओवर इंडिया हमें कई कैल्कोलिथिक सेटलमेंट्स अलग अलग रीजन्स में देखने को मिलते हैं, कुछ प्री हरप्पन है, कुछ हरप्पन कल्चर के कंटेम्प्रेनस हैं, और कुछ पोस्ट हरप्पन है, लेकिन साउथ इंडिया में जो है वो बहुत देर तक जो है वो नियोलिथिक फेस कंटिन्यू करता है, और ये धीरे धीरे जो है कैल्कोलिथिक में फेड करता है, इसीलिए इसको हम नियो साउथ इंडिया में इसको हम नियो कैल्कोलिथिक के नाम से जानते हैं। इस दौरान जो इकोनॉमी थी वो प्लांट कल्टीवेशन, एनिमल डोमेस्टिकेशन और हंटिंग गैदरिंग तीनों पर ही आधारित थी, जिसमें कि बीज, बाले, राइस, ज्वार, ग्राम, लेंटिल, सीजम, लिंसिड और पी, इन सभी का कल्टीवेशन होता था, और उसके अलावा बफलो, शीप, गोट, पिग, डॉग्स का डोमेस्टिकेशन और हंटिंग ऑफ डियर, एंटेलोप्स एंड बोर। जो पॉटरी थी वो व्हील मेड थी, और बहुत सारे शेप्स और साइजेस हमें देखने को मिलते हैं, और जो टूल्स हैं वो कॉपर, स्टोन, बोन और एंटलर पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बहुत ऑर्नामेंट्स भी हमें मिलते हैं, बीड्स, पेंडेंट्स, बैंगल्स एक्सेट्रा, जो कॉपर, टेराकोटा और बोन पर बने और शेल्स पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद आयन टेक्नोलॉजी जब आ जाती है तो वो एक नया इरा आ जाता है ह्यूमन हिस्ट्री में, क्योंकि ये जो है इस दौरान पायरो टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा इनोवेशन होता है, और बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी सिरामिक्स में, ग्लास में, मेटल में नई टेक्नोलॉजीज जो है वो हमें देखने को मिलती हैं, और आयरन की वजह से जो है शायद फॉरेस्ट क्लियरेंस बहुत ईजी हो गया था, और एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स जो है वो बहुत स्प्रेड हो जाते हैं, और हमें गंगा वैली में सेकेंड फेज ऑफ अर्बनाइजेशन देखने को मिलता है। तो आयन का जो अडॉप्शन भी बहुत चेंजेस आता है, रिलीजियस बिलीफ्स में ट्रेड जो है वो बहुत प्रॉस्पर हो जाता है, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो आयन जो है वो आयन टेक्नोलॉजी प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल। इसी के साथ हम जो है यहाँ पर आप जो है अपना जो वार्तालाप है वो ख़त्म करते हैं,
और आपने इस प्रकार देखा कि किस प्रकार से जो है प्रागैतिहासिक कालों को उनके जो मटेरियल कल्चर है उस और उसके जो डेटिंग और अदर एविडेंसेस हैं उसके आधार पर हम विभाजित कर सकते हैं और उसमें अलग अलग काल में क्या क्या टेक्नोलॉजिकल और एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट्स हुए। धन्यवाद।